अमृतसर खान कोट गार्डन इनक्लेव आम आदमी पार्टी को मिला बड़ा हुलारा। मैडम जीवन ज्योत कौर के डॉक्टर नेजर की गवाही के बीच 100 से ज्यादा फमिलिया हुई आम आदमी पार्टी में दाखिल। मीडिया से बात करते हुए दी पूरी मामले की जानकारी। अमृतसर से सोनू सोडी की रिपोर्ट। हाँ जी, अज शमिंदर सिंह होना की अगवाई दे विच गार्डन एनक्लेव विखे कुछ 50 दे करीब परिवार ने आम आदमी पार्टी नू ज्वाइन किया। सो जिन्हें नवे साडे मैंबर्स ज्वाइन किए हैं उन्होंने आम आदमी पार्टी परिवार के जियाया सारिया नू और कुछ एक एसोसीएशन इतने अज पहुँचे हुए से जिन्हों में उचेचे तौर पर फोकल पॉइंट इंडस्ट्रियल वेलफेयर एसोसीएशन पहुँचे से उन्होंने जड़िया दरपेश आ रही दिक्कतों ने उन्होंने सानू अज एक मेमोरेंडम पेश किया और ये सारिया उ प्रॉब्लम से जिन्होंने असी ड्यूरिंग द कैंपेन भी मीडिया को दसते रहे क्योंकि अक्सर सानू सवाल किया जाता है कि मुद्दों के उत्ते लोगों तो वोटा मंगनिया। सो वो फोकल पॉइंट की डिवेलपमेंट जी है वो भी एक वड्डा इशू सेगा। सो अज उन्होंने सानू एक मेमोरेंडम जड़ा हैगा वो पेश किया। सो उन्होंने उत्ते बहुत जल्दी गौर किया जाएगा और पहल के आधार पर सारिया जड़िया उन्होंने प्रॉब्लम्स है हल की जाएगियाँ। देखो जड़िया सरकार आ जा रही सी वो दो रिवायती पार्टियां सी जिन्हां ने 70 साल अदल बदल के पंजाबियों के उत्ते राज कीता पर पंजाब नूं इहो जे हालात च पहुँचा दिता सी कि लोगों ने एक इहजा मन बना लिया भी वो पंजाब जिहड़ा कदे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स लई जाणिया जांदा सी वो पंजाब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स दे कॉन्सेप्ट चों निकल आया क्योंकि जदों असीं कैंपेन दे विच लोकां च जांदे सी तां लोग कहिंदे सी कि मैम तुसीं ते हुण आए हो, असीं 6 महीने पहलां मन बना लिया कि असीं वोट आम आदमी पार्टी नूं पाउणा है। सो एक बड़ा वड्डा पॉजिटिव संकेत सी और अज उहदा नतीजा जिहड़ा वो साडे सामणे है। मैम अज किन्ने लोग शामिल होए ने? तकरीबन 50 परिवार जिहड़े ने अज उह साडे विच शामिल होए ने। नहीं अजे इस तरह की पार्टी एंड तो कोई स्टेटमेंट आई नहीं है जी। अज असी इत्थे आए हैं जी गार्डन क्लब इत्थे काफ़ी इन्होंने भाजी शमीर सिंह ने बड़ा सोना ऑर्गनाइज किया सीगा, डॉक्टर हरजोत ने ऑर्गनाइज किया सीगा जिदे च काफ़ी लोग इत्थे आए ने जिदे च जिहड़े अपने फोकल पॉइंट है वो भी आए थे रिप्रजेंटेटिव, फिर रेडिकल ग्रुप है जो लुक आफ्टर करता है इस एरिया वो भी आए थे, फिर माइनॉरिटीज विंग भी आए थे लोग, तो हर एक ने अपनी इशूज दसे ने अपने प्रॉब्लम दसिया ने अपनी मुश्किल दसिया ने और ये इलाका जो मैडम जीवन ज्योत कौर का है तो वो सारी गल कर बरीकी। मैं भी चलो एज आया सीगा क्यों मेरा इलाका गुआढ़ी पैंदा अमृतसर साउथ पैंदा तो सारिया समस्यावां असी साढ़े नज़र च हैगियां समस्यावां क्योंकि असी लोगों जाके मिलते रहे इलैक्शन वेले और सानू सारी समस्यावां पता देर तो पता, लेकिन हल करन दा मौका होना है तो असी करांगे हल। उहदे च कोई एड्डी खास गल भी नहीं हैगी, एक उत्थे है कि उन्हां कोल फायर ब्रिगेड दा जगह चाहिए वो भी फायर ब्रिगेड जरूर चाहिए, बाहर सानू एक सड़कां चाहीदियां ने, एक ग्रीन बैल्ट हैगी है वड्डी सारी, वो दरख्त लगने चाहिए ने, एक और इलैक्ट्रिसिटी वास्ते कह रहे थे कि सानू एक वड्डा इत्थे सब स्टेशन मिल जाए ताकि सानू फायदा हो जाए उन्होंने और बाकी इलाकों में भी फायदा हो जाए। कुछ भाई शबीर मैंने दस रहे थे कि सीवर जरा वो भी लागे आ के रोकता इन्होंने जी मेन लाइन सी जे पैजे तो बल्ले में फायदा हो जूगा सारे बाकी इलाके में फायदा हो जूगा, वो सारे साड़ी नज़र सारे पॉइंट्स है असी करांगे। तो पहली बार हो रहा करना चाहिए जी, असं पहला करते हम बदल थोड़ी गए हैं, उही असी इंसान उदों उही असी होने उही परमात्मा भले करे 5 साल बाद असी इस तरह रहांगे तुहाडे चाहवांगे तुहाडे नाल गल्लां करांगे और वध तों वध कोशिश करांगे कि असी तुहाडियां जिहड़ियां समस्यावां ने उहनां नूं हल करिए।